जा रहे था तन बोला वो मायूस झगड़ा को लेके ने भैया कुछ चाहिए या ना खाने में खाई भाई चाय पियो तनी हां आई ना बाबा भाड़ा सो जोसी बाबा जरा से काम कर ले हां मत रहे के चाहे पटीदार हो हम दूसर ना हो पा रहे पर में अंतर नहीं थे लगे के बात तो अच्छी नहीं छे मैं भी नहीं बात है ये बात है कोई नहीं बोले ये बात होता है के बात चल नहीं साधु हां चल ही हमरा ना चल हम लिया चल चलो तो बात वाइल की देखा था हाइलाइट करियो लो टीम हां हमें जब कोई गया बेटा लोग ना 12 के बाद पैसा ना मिले जम के तो पैसा आ गया हां ठीक है बेटा तोर को हाथ में दा हां मुड़ी पात रख के दम मुड़ी पर हाथ रख के जितना महिला से खुलत रहनी है हां भाई इतना बढ़िया के मूवमेंट करता ना ना ठीक बा और अच्छा लगा था मैंने हम देखे हां सर तो बढ़िया है उसको खेल बढ़िया कुछ तो जान ले लिया तो चलो छूट हो गया जैसे बोला था इसका बाबा बनो हां सही माई भैया माई हम तो ये छोड़ के अपनी फोटो हो जाए वो कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? समर्थन तो मिल रहा है की अब आपसे क्या बताएं हैं, मन खुश हो जा रहा है। आप तो साथे में देखे ना कैसा मिल रहा है, माँ और बहन भौजाई सब इतना प्यार दे रही है, जो अखबार में बांध कर मुझे सर पे हाथ देकर आशीर्वाद दे रही है सब। एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, प्रत्याशी सपोर्ट नहीं करेंगे जो मेरे साथ हैं। वो आज मेरे साथ जाहिर जी हैं जो उपाध्यक्ष नामनेशन किए हैं, वही मेरे साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं। सैकड़ों की संख्या में जनसलाब के साथ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं गाँव गाँव में जाकर, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं संपर्क सबसे कर रहा हूँ, और जो जो जन जो मेरे साथी जनसैलाब है मेरी आत्माओं मेरे भावनाओं के लिए है, मेरे लोग हैं, मुझे चाहने वाले हैं लोग मुझे। अपने जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं अपने जनता से ही अपील करूंगा कि इस बार भी मेरी भवा रिंकू देवी को दोबारा मौका दें। माँ मेरी इसके पहले थी, इस बार मेरी भवा रिंकू देवी है, मुझे हम लोगों को मौका दें कि फिर जो बाकी पूरा रह गया है, जो विरोधी हम लोगों को इंजाम पे इंजाम लगाया जा रहे हैं, जनता उन लोगों को इतना करारा जवाब दे कि फिर दोबारा वो लौट कर कहीं दिखे ना। किन किन वार्डों का आपने भ्रमण किया? आज मैं 10 नंबर वार्ड ही और भ्रमण किया बस, ज्यादा नहीं। हरपुर गाँव में और महुआबारी हो जाएगा थोड़ा सा। क्या किस तरह का विकास कार्य करिएगा अगर जीत जाते हैं? सबसे पहले देखिए मेरा आवास है, जो 500 मैंने आवास पास किया है, ठीक है ना। कुछ गरीब महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, जिनके लिए मैंने 500 आवास 536 मेरे नगर पंचायत में मेरे रेजिंग में आवास पास हुआ है, उनका पहले फंड रहेगा मेरा पहला किस्त दिलवाना। पैसा मेरा आ भी गया है 2.5 करोड़ रुपया, ऑफिस में बड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर के बाद उन लोगों को पैसा देना सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उसके बाद जो नाला का काम रह गया, कुछ नाला है जो पानी का निकासी के लिए अवरोध हो गया है, उसको पहले सबसे पहले ठीक करना है। बाकी तो योजना चलती रहती है, ये सब नली गली पीसीसीसी तो चलती रहती है, लेकिन मेन जरूरत गरीबों को आवास देना। सारे प्रत्याशी नाला को मुद्दा बना के चल रहे हैं, क्या देखिए सही है? घर में जब पानी लगता है ना तो अपने आप हाँ भी पानी निकाला जाता है। तो आज तो मान लीजिए समय आ गया है भादो की तरह, आज भादो ना है, भादो के बैंक तरह समय आ गया है ना, सब लोग तो सारे लोग आज इंजाम लगाएंगे ना। लेकिन 5 साल तो आज तक किसी ने जनता के बीच नहीं दौड़ा, लेकिन सुनील जनता के बीच रहा है 5 साल। और एक प्रत्याशी हमें आज कह रहे हैं कि चिकना बेचने वाला अमीर कैसे हो गया, इतना बड़ा धनवान कैसे हो गया? क्या भगवान अगर चिकना बेचने वाला ठेला चलाने वाले को अमीर नहीं बना सकते हैं? वही एक अमीर बन सकते हैं जो हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि चिकना बेचने वाला ठेला चलाने वाला लड़का अमीर कैसे बन गया? फिर एक बार जनता से क्या अपील करेंगे? मैं फिर जनता से एक बार यही अपील करूंगा, अपने भगवान से, अपने देवतुल्य जनता से, कि मुझे दोबारा मौका दें, मेरे भवा को मौका दें, विजयी बनाएं, और अपनी 100% कसौटी में खड़ा उतरकर मैं उनके सामने उनके पैरों तले काम करूंगा, मेरा ये वादा है बस। सुनील कुमार मदेसिया चेयरमैन, पुत्र अभी मेरी भवा रिंकू देवी प्रतिनिधि चेयरमैन है, उनका प्रतिनिधि मैं काम कर रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने जनता से वोटरों से क्या अपील करेंगे? जनता नगर पंचायत महरवा के जनता, सभी सम्मानित जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी है
अपना देख समझ अपने बुद्धि विवेक से वोट करें और एक अच्छे और नेक इंसान को वोट दे विजयी बनाए। क्या आपकी मुद्दाई रहेगी, विकास क्या रहेगी, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? चुनाव जीतने के बाद सबसे हर किसी का ही प्राथमिकता रहता है, जनता के भी यही अपेक्षा रहता है कि विकास करे, और मेरा भी यही है, मैं विकास। किस तरह का विकास कार्य करिएगा? जो भी मूलभूत आवश्यकताएं है जनता की, बिहार सरकार की योजना जो भी होगा उसको हम धरातल पर लागू करने का काम कर रहा हूं। मैं मोहम्मद जहीर, उप चेयरमैन प्रत्याशी समीना खातून सुपुत्र। प्रत्याशी का किस तरह का नेताजी का समर्थन कर रहे हैं? नेताजी का हम हर तरह से समर्थन करेंगे, क्योंकि ये जनता में रहने वाले नेता हैं और काम किए, ऐसा नहीं काम नहीं किए, काम किए हैं तभी इनके साथ इतना जन सैलाब है। क्यों ये सही है? क्यों सही है कि पिछले 5 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। पब्लिक के बीच में रहे, अगर हम मैं स्पेशली बात करूं 10 नंबर वार्ड का, तो बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको आवास दिलाए हैं, नाला भी बना है, रोड भी बना है, स्ट्रीट लाइट भी है, तो काम हुआ है, पेंशन भी मिल रहा है जी, काम की। अगर काम नहीं किए होते तो इतना बड़ा जनसैलाब इनके साथ नहीं होता। जो अदर प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जो मान लीजिए हर एक प्रत्याशी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का तो काम करेगा ही, क्योंकि सबको जनता के बीच में जाना वो करना है। लेकिन बात रही और सुनील साहब की या जहीर साहब की, दोनों ये समाज सेवक हैं और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनना जो भी है, और जो उनसे हो सकता है वो लोग अपना पूरा फुली प्रयास करते हैं कि मतलब जनता को सपोर्ट किया जाए। पर्चा बता दीजिए अपना। मैं मोहम्मद अंसारी, वार्ड नंबर 10।